भगवान के लिए मेरे पीछे साई की तरह मंडराना बंद करो। रवि, रवि, आखिर मुझे पता तो चले कि तुम चाहते क्या हो। थोड़ी शांति चाहता हूं, सुकून चाहता हूं अपने जीवन में। देखो देवेन, कुणाल और तारा के रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन तुम तो इस घर की बर्बादी चाहती हो ना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, घर में इतने दिनों बाद खुशियां आ रही हैं, एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी खुशी से अपने मंसूबों को, इस काली परछाई को दूर रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया मेरी बहन की खुशियों में ग्रहण बन जाए, इसलिए मुझसे और मेरे परिवार की खुशियों से दूर रहो तुम देवयानी। अगर इस बार तुमने मेरे परिवार में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि रितु को 50 लाख रुपए का लोन चुकाना है, और रितु ने अगर ये लोन एक महीने के अंदर नहीं लौटाया तो वो लोग इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सच बात तो ये है संजू कि ये लोन मैंने लिया ही नहीं था। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मैंने इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कब किए थे। सच बात तो ये है संजू, विक्रम ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। उसका प्यार प्यार नहीं, खिलवाड़ था सच्चू। जिंदगी भर मुझे पछताने के लिए छोड़कर चला गया है वो, हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है मुझे। ये मुझे चीख ये क्या संजना, फिर से टेंशन? ऋतु के बारे में सोच रही हूँ। हाँ राज, सोच रही हूँ ये बड़ी गलती हो गई रितु से। उसने जिंदगी में हमेशा सही फैसले लिए हैं, इतनी समझदार और जिम्मेदार लड़की है। जानते हो, हम सारी सहेलियां हमेशा ये कहा करती थी कि हम लोगों से कोई गलती हो सकती है, लेकिन रितु अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। लोगों की सही पहचान थी उसे, हमेशा समझाया करती अगर जिंदगी में कोई भी फैसला लेना हो ना तो हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। सोच समझ कर और परख कर लोगों पर विश्वास करना चाहिए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऋतु को अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा। राज, बस एक गलती, सिर्फ एक गलती की वजह से आज वक्त ने रितु को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। डोंट वरी संजना, घबरा मत, बैठो बैठो। कम ऑन संजना, तुम उस बात के लिए घबरा रही हो जो अभी तक हुई नहीं है। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि जल्दी विक्रम की असलियत रितु के सामने आ गई। सोचो, अगर ऐसा होता कि रितु की शादी विक्रम से हो गई होती तो कितनी बड़ी तकलीफ से बच गई वो, है ना? और रही वक्त की बात, वक्त कब और कैसे बदल जाए इसका अंदाजा हम में से कोई नहीं दे सकता। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। रितु उनमें से नहीं है जो बुरे वक्त में अपनी घुटने टेक दे, ये तो तुम भी जानते हो। संभालने की वो अपने आपको, अकेली नहीं है वो, हम दोनों हैं ना उसके साथ, पूरी तरह से उसकी मदद करें। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा ही तो कर सकती हूँ बस।
वैसे भी संजना तुम्हारी वो टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने बारे में नहीं, कम से कम उस नन्ही सी संजना के बारे में या राज के बारे में तो चिंता करो। संजना चिंता तो मुझे भी है ऋतु की। वो सूर्य प्रताप सिंह नोटिस के जवाब में कौन सा कदम उठाएगा? अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं, पर न जाने क्या लिखा है ऋतु की तकदीर में। क्या होने जा रहा है इस घर में? कैसे रोकूं मैं सनहोनी को होने से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक मैं तारा को करण से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण अपने हर मंसूबे में कामयाब होता जा रहा है। अब मैं कैसे समझाऊं उसे कि मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया था? कैसे समझाऊं उसे कि बेवजह बेमकसद वो तारा की जिंदगी बर्बाद करने पर तोला हुआ है? उधर तारा भी कुछ समझने को तैयार नहीं है, अपना दुश्मन मानने लगी है वो मुझे। कैसे यकीन दिलाऊं तारा को कि उसकी भाभी को उसकी परवाह है, मैं दुश्मन तो नहीं हूं उसकी। ये शादी अगर हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये राधा की टेंशन तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अपने आप को जैसे भूल ही गई है राधा। अब उस कुणाल नाम की टेंशन को मुझे ही देखना पड़ेगा। अरे आज तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। हे भगवान, कुछ भी करके आज इंडिया को एक बार फिर से जितवा देना। आज युवराज सिंह से फिर से एक ओवर में 6 छक्के मरवा दो। अगर आज इंडिया जीत गई ना तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपके चरणों में 1 किलो असली घी के बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगा। प्रॉमिस। कम ऑन इंडिया। और जब उसकी दुनिया पराई हो जाती है ना उससे, तो वो किसी भी अपनेपन पर यकीन नहीं करती। करण, एक औरत को कमजोर समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें तारा की जिंदगी से निकल जाने का वचन देना होगा। एक झूठ को छिपाने के लिए किराए पर ही चल पड़े हो। मैं आपके घर से चला जाऊं या तारा की जिंदगी से चला जाऊं? बहुत सारे इल्जाम लगाए तुमने मुझ पर। मैंने सबको धोखा दिया। तुमने अपने बाबा की तरह ही मेरी मौत का ख्वाब देखा है। जब तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, मैं तुम्हारे घर से जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, बार बार घर पर सबके सामने ये साबित करने की कोशिश मत करो कि मुझे सब याद है, क्योंकि जब तक मैं न चाहूँ मुझे कुछ याद नहीं आने वाला। आपको कि तुमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, किसी के साथ तुमने कोई झूठ नहीं बोला है, सचमुच तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे सर की चोटी का संदेह कर सकता हूं। सच कहा तुमने, मैं कुछ नहीं बोला।
लाइफ बॉय प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी। लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा।